क्या बोलू? हुई 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 हुई। कुछ भी बोल। अबे तेरी सवाल तेरी सवाल के बात होगी बेटा गुलगुले। ना आज तो तू गुलगुले से कतई गब्बर सिंह हुए जा रहा है। और ये ठाकुर कौन है, क्यों पीट रहा है तू इसने बेटा? मैडम मैडम, इसने मुझसे कहा कि ये बहुत बड़ा वास्तु शास्त्री और मैं अपने घर में कुछ परिवर्तन कर दूं तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा और मैं हवलदार से सीधा डीआईजी बन जाऊंगा। तो बन गया तू डीआईजी? अरे काहे का मैडम, मैडम इसने मेरा बाथरूम बालकनी में शिफ्ट करवा दिया, मेरे मेरे किचन को बाथरूम में शिफ्ट करवा दिया और मेरे पड़ोसी को मेरे बेडरूम में शिफ्ट करवा दिया। पड़ोसी बेडरूम? अरे क्या बात कर रहा है? हाँ मैडम, ये कह रहा था कि मेरे पड़ोसी की किस्मत बहुत अच्छी है, अगर वो थोड़े दिन मेरे बेडरूम में सो जाएगा तो मेरी किस्मत भी खुल जाएगी। तो खुल गई थारी किस्मत अकलमंद आदमी? अरे कहा मैडम, मेरी बीवी की पोल खुल गई, उस आदमी के साथ भाग रही थी, मैंने पकड़ लिया, सब इसकी वजह से। तेरी चल अंदर, तेरे को अंदर दिखा दो, चल तेरी। अरे आप लिख लीजिए ना एफआईआर गोपी जी, है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। देखो शर्मा जी वर्मा जी, मैं ऐसे एफआईआर नहीं ले सकता हूँ। गोपी क्यों घना भयभीत हो रहा है, कौन है ये दोनों? धर के ला। हाँ भाई कौन हो? ये है वर्मा जी। और ये है शर्मा जी। तो एफआईआर किसने लिखानी है, शर्मा ने कि वर्मा ने? जी शर्मा जी को, है ना शर्मा जी? जैसे आप कहे वर्मा जी। बीवी भाग गई के? बीवी भाग गई क्या शर्मा जी? नहीं मुझे पता नहीं, अगर आप कहे तो मैं फोन करके कंफर्म कर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं फोन कर सकता हूँ? अरे चुप, के नाटक मचा रखा है, है? पुलिस थाना आई हो, के कंप्लेंट लिखानी है, साफ साफ बोलो। बता दो वर्मा जी। हाँ शर्मा जी। देखिए मैं है ना बैंक कर्मचारी हूँ और ये है मेरा दोस्त, वो भी बैंक कर्मचारी है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। अब वो क्या है मैडम के मेरे पड़ोस में एक बेवड़ा रहता है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। वो रोज रात को मेरे घर का दरवाजा खटखटाता है, मेरा नौकर दरवाजा खोलता है, वो बेवड़ा मेरे नौकर को पीटता है, मेरा नौकर चिल्लाता है, वो चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी वाइफ बाहर आती है तो वो बेवड़ा मेरी वाइफ को छेड़ता है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। खामखा अपनी बीवी को पड़ोसी से छिड़वाते हो, जब नौकर चीखता है तो तुम क्यों नहीं बाहर आते हो? वो क्या है कि मेरा दिल है ना थोड़ा कमजोर है ना, इसलिए है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। तो उतरो। हो गया? यस यस। ना कुछ बाकी है? ओ बेटी ना बालकों ने ना डरा, जा जाके आइसक्रीम खा, चल। तुम्हारी जो कंप्लेंट है, हेलो इधर, मैं बात कर रही हूँ। सॉरी वर्मा जी। सॉरी शर्मा जी। अरे जाओ नमन ने, माफ करो गोपी बेटा, इनकी एफआईआर लिख ली है और इनके पड़ोसी ने घर के लेके, इन्हें निकाल यहाँ से, इन्हें भेज दे बेटा, इन्हें भेज दे। थैंक यू थैंक यू। तो चले वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। चलो रिपोर्ट, अरे रिपोर्ट तो लिखवाओ। ओहो दुक्कड़ साहब, पारी क्या हाल चाल है? बढ़िया गोपी जी, कैसे आप? बड़े दिनों के बाद दर्शन दिए। अरे बस आपकी याद आई। चश्मा बाबू भैया जी, आप ही का है, रख लीजिए। अरे दुक्कड़ साहब, आपने आने की तकलीफ क्यों की, आपने हमें बुला लिया होता, चौकी लेकर पहुंच जाते हो। ओहो भाई डुग्गल साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया। अरे आज कैसे आना हो गया चौकी में? वो कुछ नहीं, आपके पुलिस चौकी से मेरे घर पे कोई फोन आया था, कोई चिरकुट मामला है, छेड़खानी वाला। ओहो डुग्गल साहब, आप हो वो शर्मा जी के पड़ोसी? क्या करते हो डुग्गल साहब? ना हमने सुना है आप उसके नौकर को पीटते हो, उसकी बीवी को छेड़ते हो, ना ऐसा कुकर्म क्यों करते हो भाई? अंदर की बात बताता हूँ। क्या है ना मैडम, मैं शर्मा का फ्लैट खाली करवाना चाहता हूँ। क्या है ना, अभी मैंने तीसरी शादी की है ना, तो क्या है ना ये फ्लैट मुझे छोटा पड़ता है, अगर शर्मा अपना फ्लैट खाली करके मुझे दे दे तो मैं अपनी बीबी और बच्चों के साथ आराम से रह सकूँ, उसका फ्लैट और मेरा फ्लैट मिला के बड़ा फ्लैट कर दूँ, इसी बहाने आपको भी दो पैसे मिलेंगे ना। बाकी मेरे दिल में कुछ नहीं है मैडम। मैडम ये तो बंपर ऑफर है, बंपर ऑफर। केस तो दुक्कड़ साहब यूं घुमा देंगे हम, मतलब मम्मी जी केस यूं घुमा देंगी। अरे डुग्गल साहब आप टेंशन कोई ना लो, आपका केस घूम गया समझो, क्योंकि पुलिस जब कोई चीज घुमाने पे आती है ना तो दुनिया घूम जाती है। क्या बात है। तो क्या सोचा आपने मैडम? ना घड़े सोच विचार के बाद मैं यो निष्कर्ष पे पहुंच गई हूँ कि तू गलत आदमी से, सारी गलती थारी है भाई। ये क्या बोल रही वर्मा जी? पहले सुन तो लीजिए शर्मा जी। अरे वो जो डुग्गल है ना वो नियति शरीफ आदमी हो रहा है, वो बेकसूर है, और इनका नौकर जो रोज पीट रहा है वो कसूरवार है। अरे वाह वाह, क्या पॉइंट निकाला है वर्मा जी। थैंक यू शर्मा जी। ऐसा पॉइंटेड रैप्टा बजा दूंगी ना कि पूरे बदन में छलनी से पॉइंट आ जाएंगे, समझा के? अरे मैडम कह रही है डुग्गल बेकसूर है तो वो बेकसूर है, और रही बात तुम्हारे नौकर की, हम कैसे मान ले तुम्हारे पास नौकर है? हो सकता है वो दुग्गल को फंसाने के लिए तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पास नौकर है ना वर्मा जी? आप
के घर में जो रहता है वो आपका नौकर ही है ना शर्मा जी? अरे है, नौकर है। कंफर्म? कंफर्म। तो वो तो लाए होगी। वो क्या वर्मा जी? इन्हीं से पूछ लेते हैं ना शर्मा जी, वो क्या? वेरिफिकेशन पेपर। ना जब हम घर में किसी नौकर को रखे हैं ना परिचित आदमी, तो पुलिस चौकी में जाके उसका वेरिफिकेशन कराते हैं। तो थारे नौकर का जो वेरिफिकेशन कागज है वो एक कॉपी दे दे मन्ना। मैडम मुझे नहीं लगता इनके पास कोई वेरिफिकेशन कागज है, इसको तो अंदर करना पड़ेगा मैडम। धर दे बेटा अंदर। यहाँ आइए वर्मा जी। जी शर्मा जी, मैंने वेरिफिकेशन तो करवाया ना वर्मा जी। नौकर आपने रखा था तो आपको पता होना चाहिए ना शर्मा जी। मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना शर्मा जी। आइए। अब वो क्या है ना मैडम जी, कि वेरिफिकेशन करवाया है या नहीं करवाया है वो इनकी बीवी को पता है, तो हम उनको पूछ लेते हैं और अगर वेरिफिकेशन करवाया होगा तो कल पेपर्स लेके आ जाएंगे। और जो ना कराया होगा ना तो भी कल हाजिरी देने थाने में आ जाना, वरना बेडरूम से बेड समेत उठवा लूंगी। समझ गए ना वर्मा जी? जी शर्मा जी। सलाम साहब, क्या बात है, इतनी रात को मुझे यहाँ पे अकेले बुलाया? तुम जैसे लोगों से मैं रात को अकेले में मिलना पसंद करता हूँ। वैसे आपको देख के लगता नहीं है कि आप वैसे हैं। वैसे कैसे? छोड़ो ना साहब, वैसे मेरे दिल में कुछ नहीं है। हाँ ठीक है। तुम्हारे खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई गई है समझे, और हमें उस पे एक्शन लेना होगा। अरे साहब, आप इस पुलिस चौकी में नए नए हैं ना, इसलिए मुझे जानते नहीं हो। ऐसे मैं पुलिस का सेवक हूँ। अरे भाई, हम कैसे मान ले, आपने हमारी सेवा थोड़ी की है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है साहब, आपकी भी सेवा कर देंगे, हमें एक मौका तो दीजिए। तो कसम अय्याशी की, आज से तुम्हारा केस हमारा केस हो, लेकिन अगर इस बारे में कानो कान किसी को खबर लगी तो मैं तुम्हारे कान काट डालूंगा। आप फिक्र मत कीजिए साहब, वैसे मेरे दिल में कुछ नहीं है। मैडम अब वो शर्मा जी हमारे चंगुल से बच नहीं पाएंगे। मैडम जी, मैंने पूरी फाइल चेक कर ली है जी, उन्होंने अपने किसी भी नौकर का जी वेरिफिकेशन नहीं करवाया जी। नहीं, हम तो पुलिस हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं खेल खेल में। दुग्गल साहब तो आजाद घूमेंगे और शर्मा जी रहेंगे जेल में। एक्सक्यूज मी, शर्मा जी वर्मा जी अंदर आ सकते हैं? और कितना अंदर आएंगे आप? यहाँ तक। वेरिफिकेशन के कागज दो। वेरिफिकेशन? हाँ, तो वेरिफिकेशन के लिए मैंने अपनी बीवी से बात की कि अपने नौकर का वेरिफिकेशन करवाया चौकी में जाके, तो चौकी का नाम सुनते तो वो तो बहुत जोर से चौकी। उसने कहा कि अरे एक साल पहले तो अपना नौकर नौकरी छोड़ के जा चुका है ना वर्मा जी। अभी ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा ना शर्मा जी। ना तुम्हारे कहने का मतलब यो है कि तुम्हारे पास नौकर कोई ना है? ना तो वो आदमी कौन था जिसे डुग्गल पीटता था, ना और वो आवाज किसकी थी जो सुन के वो तुम्हारी बीवी बेडरूम से बाहर आ जाती थी? इनकी इनकी दरवाजा ये खोलते थे और डुग्गल इन्हें पीटता था, है ना शर्मा जी? मैं हूँ वर्मा जी। हाँ शर्मा जी। ओके, हाँ वो मैं था, मैं हूँ, माने कि वो मुझे पीटता था, मैं चिल्लाता था, वो सब जाने दीजिए ना। आप है ना वो दुग्गल को अरेस्ट कीजिए, है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। एक मिनट, क्या बार बार चढ़ते जा रहे हो? उतरो उतरो नीचे, और तुम जरा जाओ स्किपिंग करो। हाँ अब एक बात बताओ, कल रात को दुग्गल तुम्हारे घर आए थे? कल रात को दुग्गल मेरे घर पे आया था वर्मा जी। घर में आप रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना शर्मा जी। आया था वो। झूठ, कल दुग्गल तुम्हारे घर नहीं आया था। एक मिनट ना तन्ने कैसे बे रहा? क्योंकि कल पूरी रात दुग्गल मेरे साथ। क्योंकि कल पूरी रात दुग्गल मेरे साथ। मेरा मतलब है कि जब हम हनुमान जी के मंदिर से गुजर रहे थे कल रात को, तो हमने मिस्टर दुग्गल को देखा। कठोर तपस्या में वो आदमी लगा हुआ था एक टांग पर, और इस शरीफ आदमी पर आप जैसे लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। शर्मा लीजिए आप लोग। और तुम दोनों के दोनों क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो मेरे को? चलो हम तीनों के दोनों चल के तुम्हारी बीवी को छेड़ते हैं। चलो मतलब है कि हम तीनों की तीनों चलकर तुम्हारी बीवी से तहकीकात करते हैं, पूछताछ करते हैं केस के बारे में। ओहो, न तन्ने ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत ना है। मैं संभाल रही हूँ केस, जो तहकीकात पूछताछ करनी होगी ना मैं करूंगी, तू चल। ओह ओके, आप हैंडल करिए। अरे तू निकल ले ताऊ। कैरी ऑन। सॉरी सर। हाँ तो भाई, ना नौकर तो ना है, बीबी तो है ना।
मेरी बीवी है वर्मा जी। आपके घर में जो रहती है वो आपकी बीवी होगी ना शर्मा जी? हाँ, बीवी है मेरी। गॉड, तो क्या सबूत हो रहा है कि वो छोरी थारी बीवी है? जी मैडम जी, मैंने ना एक लड़की को अपने घर में ना 3 साल रखा था और मोहल्ले वालों को बोला था ये मेरी बीवी है, जबकि वो मेरी बीवी थी ही नहीं। चुप! ना थारे से थारी पर्सनल डिटेल पूछी हमने, ना हम अखबार वाले हैं। सॉरी जी। तुम मैरिज सर्टिफिकेट दिखा। मैरिज सर्टिफिकेट है मेरे पास वर्मा जी। शादी आपकी हुई तो आपको ही पता होना चाहिए कि नहीं शर्मा जी? हाँ, है मेरे सर्टिफिकेट मेरे पिताजी के पास है। क्या कि मैं अगर उनके पास मिल गया तो मैं लेकर आता हूँ, वरना। अरे नहीं है ना, तो कल अपने बाप समेत चौकी में हाजिर हो जाना, वरना घर से उठवा लूंगी। ओके ओके मैडम। वर्मा जी जरा साइड पे आइए। शर्मा जी बहुत ज्यादा बोल गया हूँ, पिताजी तो गुजर गए, अब मैं पिताजी कहाँ से लेके आऊँ? वर्मा जी आप चिंता मत कीजिए, शर्मा जी मैं हूँ ना वर्मा जी। अरे मेरे पिताजी जो है ना वर्मा जी, मैं एक दिन के लिए अपने पिताजी वर्मा जी को आपके पिताजी शर्मा जी बना के लेकर आऊंगा, ठीक है ना शर्मा जी? थैंक यू वर्मा जी। वेलकम शर्मा जी। हाँ तो चले वर्मा जी। हाँ चलो शर्मा जी। तो यो बात है शर्मा जी। हाँ जी, आपका नाम तो शर्मा जी है, तो आप वर्मा जी पे हाँ क्यों बोल रहे हैं? क्या है ना कि हम सब लोगों में इतना प्यार है ना कि अपने आप को कभी शर्मा जी और कभी वर्मा जी समझ लेते हैं, है ना अंकल? अंकल माने मेरे बापू हुए। बापू? हाँ मेरे बापू हुए, तो आप वर्मा जी के अंकल हुए ना? हाँ, और अगर मेरे अंकल हुए तो शर्मा जी के बापू हुए ना? अरे यार मैं पैदाइशी कंफ्यूज आदमी हूँ, और कंफ्यूज मत करो। इसी कंफ्यूजन में तो तुम नहीं नहीं तुम पैदा हो गए थे। अरे मैं नहीं, आपका बेटा ये है शर्मा जी। ये है बस, जो वर्मा शर्मा कॉर्पोरेशन बंद हो गया हो तो मैं कुछ कार्रवाई कर लूं ना? कर लूं मैं? अंकल जी आप मरने यो बताओ कि आपका जो बेटा है ना उसकी शादी हो गई है? हाँ शादी शादी नहीं, एक नहीं, दो 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 शादी हुई है, तीन बच्चे हैं, चार साल हो गए, पांच लाख दहेज में लिए हैं। मिश्रा जी, वर्मा जी, शर्मा जी, अरे शर्मा जी, नहीं वर्मा जी, अरे अंकल अंकल, ये लोग मेरे बारे में नहीं, आपके बेटे शर्मा जी के बारे में पूछ रहे हैं, जिनकी शादी तो हो गई है मगर अभी गौना नहीं हुआ है। हाँ, और इनके घर में जो रहती थी ना वो तो कब की गाँव चली गई वापस, उसे दुखल छेड़ा करता था। अच्छा, और गांव में तो मेरे सर्टिफिकेट बनता नहीं है। नहीं बनता, नहीं बनता है। और आपने खुद ही तो शादी करवाई थी। मैंने करवाई थी? इन्होंने जो कुछ बोला है ना वो समझ लो मैंने बोला है, ठीक है? बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या है कि देखो, बिन गौना की सुहागन को वो दुग्गल ने छेड़ा था और उसने ही मुझे मारा भी था। आप ना दुग्गल को गिरफ्तार कीजिए प्लीज। हमें हमारा काम ना सिखाओ, कानून है हम बालक ना है, गिरफ्तारी तो जरूर होगी। बेटा गुलगुले, तीनों के गले में टायर डाल के अंदर धर ले, गिरफ्तार कर लेंगे। क्यों वर्मा जी? उन्हीं से पूछ लेते हैं ना शर्मा जी। क्यों क्यों? ना पुलिस ने पगलैट समझ रखा है, ना हम सब पगलैट हैं यहाँ, ना कोई भी कहानी सुनाओगे और हम समझ जाएंगे। यो जो अंकल ने धर के लाए हो ना शर्मा जी का बाप बना के, यो इसका बाप ना है, यो थारा बाप है वर्मा जी। गोपी। हाँ जी जी। अरे कहाँ मर गया तू? हाँ जी जी मैडम जी, मैंने सब पता कर लिया जी, इसका नाम ब्रिजमोहन वर्मा है और ये ना डांस मास्टर है। टी ब्लॉक कप में जाके डांस सिखाएगा यो सबको, चल लेके जा तीनों ने। हम चलो अंदर। अरे अंदर क्यों ले जा रहे हो भाई? भाई देखो, भले ही लोगों ने झूठ बोला हो लेकिन अंदर की बात मैं बताता हूँ, वो ये है कि ये शर्मा की जो अम्मा है ना, जवानी में उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो हो सकता है कि ये मेरा बेटा हो। जी, वर्मा जी। बाद में बात करेंगे ना शर्मा जी। नहीं नहीं, पहले कंफर्म कर लो कि ये कौन है। ये भगवान, बुढ़ापे में तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत का रगड़ा पेटिस हो गया, जवानी में तेरी अम्मा के चक्कर में फंस गया था, और बुढ़ापे में तेरी चक्कर में। आप परेशान मत होइए अंकल, देखिए हमने वकील से बात कर ली, वो हमारी जमानत करवा देगा। मैंने जिससे बात की वो वकील ही था ना वर्मा जी? लगता तो वकील ही था शर्मा जी। अरे वकील क्या कुछ कर पाएगा। ये कौन है वर्मा जी? इसी से पूछ लेते हैं शर्मा जी। मैं एक वास्तु शास्त्री हूँ,
और आपकी दशा देखकर ये बोल सकता हूँ कि आप पुलिस के चक्कर तब तक काटते रहोगे जब तक आप अपनी खुद के घर की वास्तु न ठीक कर लोगे। एक मिनट, अगर आप इतने बड़े वास्तुशास्त्र हैं, तो इस तरह जेल में क्या करें, है ना वर्मा जी? इसी से पूछ लेते हैं शर्मा जी, क्या करें? अरे हम तो लोगों को पुलिस वालों की नजर से बचाते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं, इसलिए तो चिड़कर हमको यहाँ पे बंद किया है। खैर वो छोड़ दो, हम आपको एक नया नक्शा देते हैं, उस हिसाब से अपने घर पे तोड़ फोड़ करके बदलाव लाइएगा, फिर देखिए आपका समय कैसे बदलता है। हाँ कीजिए। हाँ कर दो वर्मा जी, कर लीजिए शर्मा जी। देख लिया जी दुग्गल जी, ना पुलिस का कमाल। अरे हमारे कहने पे यो वास्तुशास्त्री ऐसा घटिया नक्शा बनाएगा ना कि यो जो शर्मा है ना घर छोड़ के भाग जाएगा और फिर घर पे कब्जा थारा। बढ़िया बढ़िया मैडम जी बढ़िया, बस आपने जैसा कहा वैसा ही हो जाए, बाकी मेरे दिल में कुछ नहीं है। हाँ तो लगता है मिस्टर डाला आपने उस दुग्गल साहब का मामला निपटा दिया, क्योंकि ना तो वो दुग्गल नजर आ रहा है और ना ही वो शर्मा वर्मा। गुड गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आप लोगों की मेहनत की वजह से मुझे काफी कमाने का मौका मिला, मतलब काफी नाम कमाने का मौका मिला है। गुड गुड, वेल डन वेल डन। ए कौन हो तुम लोग? मैं हूँ वर्मा जी और ये शर्मा जी। नहीं नहीं, मैं हूँ वर्मा जी और ये गुप्ता जी। गुप्ता जी वर्मा जी, दोनों के पीछे जीजी है ना? ओ, यो के भूतिया सी शक्ल बना रखी है, और यो कौन है? ने एकदम ही भद्दा सा आदमी। मैडम मैं भद्दा आदमी नहीं हूँ, मैं दुग्गल हूँ। अबे जा, कहाँ दुग्गल साहब और कहाँ तू? मैं सच कह रहा हूँ, मैं ही दुग्गल हूँ, वरना मेरे दिल में कुछ नहीं है। नहीं, लगता है कि ये सही कह रहे हैं कि दुग्गल इनका नाम है, क्योंकि मेरे दिल में तो कुछ नहीं है, तो दुग्गल साहब का ही तकिया कलाम है। अरे यार बताओ तो सही, हुआ कैसे ये सब? आप लोगों की वजह से मेरी ये हालत हुई है, आप लोगों ने जो आइडिया दिया था ना, इस वजह से। क्यों हो गया? अरे पूरी बिल्डिंग गिर गई। क्या है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। अरे दुग्गल साहब ने मुझे बताया कि वो वास्तु शास्त्र का आइडिया आप लोगों ने इसको दिया था। अरे इसके चक्कर में आके मैंने अपने फ्लैट में कौन से जगह पे हथौड़ा मारा कि मेरा पूरा फ्लैट टूट गया, ये दुग्गल का पूरा फ्लैट टूट गया और सारी बिल्डिंग नीचे आ गई, है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। अरे आप लोगों ने तो शर्मा जी को कहीं का नहीं छोड़ा, वर्मा जी को भी कहीं का नहीं छोड़ा, और ये दुग्गल को तो कहीं का भी नहीं छोड़ा। अरे आप लोगों को तो इनाम मिलना चाहिए, इनाम, क्योंकि हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो अवैध बिल्डिंग पिछले कई सालों से नहीं तोड़ सके वो आप पुलिस वालों ने एक घंटे में तोड़वा दी। कॉन्ग्रेचुलेशन, म्यूनिसिपालिटी की तरफ से आप लोगों को 10 लाख का इनाम।